हेलो नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं नारायण पटेल। आपको प्रेरणा तालिका क्या है? प्रेरणा तालिका एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिए, प्रत्येक विषय के लिए और प्रत्येक बच्चे के लिए कि कौन कौन सी दक्षताएं उनमें होनी चाहिए, उन सब का विवरण ये हमारी प्रेरणा तालिका बताती है। और ये आपको कक्षा में लगानी है जिस क्लास के बच्चे बैठते हैं, और प्रत्येक बच्चे की उसमें डिटेल लिखना है। तो वो कौन कौन सी ऐसी दक्षताएं हैं कक्षा एक में गणित के लिए जिन्हें हम सबको पूरा करना अति आवश्यक है। आइए 2 मिनट के अंदर हम एक एक करके उनकी दक्षताओं का विवरण देख लेते हैं, जिससे जब स्कूल खुले हम बहुत आसानी से उन दक्षताओं को प्राप्त कर सकें, उनके लिए अपनी तैयारी कर सकें, उनके लिए अपने लेसन प्लान बना सकें। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी दक्षताएं, वो 14 हैं गणित के अंदर जिन्हें हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर हम गणित की दक्षताएं कक्षा एक की आपको बता रहे हैं। ये यहाँ पर 11 दक्षताएं हैं जो मौखिक बच्चों को आनी है। आइए, तो पहली दक्षता आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ, उनको क्या होना चाहिए, दूर, पास का, लंबा, छोटा, पहले और बाद, आदि और अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। गुणा की जगह यहाँ गुण है, यानी गुण के आधार पर उनको अलग अलग कर लेना है। दूसरा है, बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान लेते हों, लिख सकते हों, उनकी तुलना कर सकते हों और उन्हें सही क्रम से लगा सकते हों। तीसरा, बच्चे वस्तुओं का उपयोग कर 1 से 99 तक संख्याओं को गिन सके, मतलब आप उन्हें गोलियां वगैरह दें जिससे वो आकर 10 कहें तो 10 निकाल सके, ये दक्षता। अगला है, बच्चे एक स्थिर अंतराल में घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को भी पहचान सके और उन्हें पूरा कर सके, मतलब कोई आप पैटर्न दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, एक छोड़ देते तो उसको लिखना है, अंतराल के बाद नियम जैसे 1, 2 या 4 के अनुसार बदलना, 1 या 10 के अंतराल पर छोड़कर गिनती कर पाना। हमने 1 से 10 के बाद 11 से पूछा तो 11 से पढ़ने लगे, 11, 12, 13, हम लोग क्या करते हैं अमूमन 1 से लेकर बच्चा पढ़ता है। अगला है, पांचवी मौखिक दक्षता हमारी, संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेती हूँ, ये आपको बता चुका हूँ। अगला है छठा, 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ, मतलब 1 से 50 तक की संख्याएं कोई भी हो जिसपे उन्हें इकाई और दहाई वो बता सकें। अगला है सातवां, बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक संख्याओं को जोड़ सकते हो, मतलब आप कोई चीज़ चाहे गोलियां रख दें या बॉल्स रख दें, वो 2 गोलियां 2 बॉल देने के बाद फिर 4 बॉल दीजिए, कितने बॉल हो गए, इस टाइप की उनको गणना लिखना नहीं लेकिन उनको मौखिक रूप से उन वस्तुओं का जोड़ना आना चाहिए। तो अगली यहाँ पर दक्षता 8 है कि बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा सकते हैं, यानी आप उन्हें 10 टाफियां दे करके या 5 टाफियां दे करके 2 टाफियां लेकर पूछे कितनी बची वो बता सके, ऐसी जो है दक्षता आपको मौखिक उन्हें करवानी है। बच्चे 0 यानी 0 की अवधारणा को समझ सके, मतलब 0 का मतलब उन्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर 0 का मतलब है क्या। 10 है कि बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों को कुछ वस्तुओं जैसे मेज, किताब आदि के माध्यम से पहचान सके, उनको ये समोसा कैसा होता, मतलब तिकोना होता है, छड़ी कैसी होती है, गोला यानी बॉल कैसा होता है, और चतुर्भुज किताब कैसी होती है, मोबाइल कैसा होता है, टेबल कैसा होता है, ये जानकारी उनको होनी चाहिए। और 11 नंबर पे है, विभिन्न ठोस आकार का अपनी भाषा में वर्णन जैसे लुढ़कती गेंद, बक्सा, सरकता, मतलब जो आप क्रियाएं करते हैं उस पर वो बता सकें। अब बात करेंगे ज्यामिति और उसके मापन की। तो ये है विभिन्न ठोस आकार
का अपनी भाषा में वर्णन करना, जैसे गेंद लुढ़कती है बक्सा सरकता है। 12 नंबर पे आते हैं, 12वीं दक्षता है विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना कर लेना। और 13 है मापन के गैर मानक माध्यमों का प्रयोग करके, जैसे कदम बित्ता आदि, मतलब वो प्रमाणिक भले ही ना हो, जैसे लोग हाथ से गांव में मापते हैं या अपनी उंगलियों से माप लेते हैं या वित्त से माप लेते हैं, जो हम लोग एक पंजा पूरा फैला के अंगूठे और छंगुनिया जिसे हम लोग बोलते हैं उससे मापते हैं, उसकी बात ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं सामान्य डाटा और एवं संधारण क्या है। दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचना इकट्ठा करना, नोट करना, अनुमान लगाना, मतलब अनुमान लगा सके ये क्या है, चिड़िया है, पशु है, पक्षी है, कितने हैं, उनको इकट्ठा करके आपको बता सके। तो ये कक्षा एक की दक्षताएं 14 हैं। ठीक इसी प्रकार से आपकी कक्षा 2 की है वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, जिससे आपका वीडियो बढ़ाना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया कमेंट जरूर करें, क्या इस वीडियो से आपको कुछ अगर फायदा हो रहा है तो मैं इस टाइप की वीडियो आपको पूरी कोर्स की बनाता चलूं, जिससे आपको कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें समझ में आ जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ।